करण रंधावा ने जस माना के लव लाइफ के बारे में बात किया। वहीं कोमल तनवार अब नहीं जाने वाली जस माना के पास से, जहाँ पे देखा जाए तो परमानेंटली कनेक्ट हो चुकी है कोमल तनवार जस मानक के साथ। फर्स्ट है करण रंधावा टॉकिंग अबाउट जस मानक, जहाँ पे करण रंधावा ने जस मानक का एक जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में बोला था। जहाँ पे देखा होगा करण रंधावा ने एक शो था जहाँ पे सिंगिंग किया था जस मानक के रिलेटेड, जस मानक के लिए गाना गाया था, जिसमें जस मानक का जो हिडन लव स्टोरी है उसके बारे में बोला था। करण रंधावा यहाँ पे बोलते हैं कि भाई ऐसा जग में कोई नहीं है कि भाई जस मानक से कोई पंगा ले या फिर कुछ करे, बट तुम ऐसी एक ही हो जो कि जस मानक को बार बार कॉल करती रहती हो एंड उसको परेशान करती रहती हो, बट फिर भी जस मानक तुमको कुछ नहीं बोलते। इसके रिलेटेड करण रंधावा ने बोला है एंड कहीं ना कहीं इसका कहना कि भाई जस मानक के GF के बारे में बोला है कि भाई जस मानक की जो GF है वो जस मानक को बार बार कॉल करती रहती है। सेकेंड बात करते हैं कोमल तनवार परमानेंटली कनेक्टेड विथ जस मानक, जहाँ पे देखा जाए तो अब जस मानक ने कोमल तनवार को अनफॉलो नहीं किया है, और भी लोगों को जस मानक ने अनफॉलो किया है बट कोमल तनवार को नहीं किया एंड बहुत दिनों से कोमल तनवार को फॉलो में रखी हुई है, फॉलोइंग में हमको देखने को मिल रही है एंड ऐसा लगता है कि भाई आप परमानेंटली कनेक्ट हो चुकी है जस मानक के साथ कोमल तनवार। सो ऐसा लगता है कि भाई कोमल तनवार परमानेंटली कनेक्ट हो चुकी है अब जस मानक के साथ, अब जस मानक कोमल तनवार को अनफॉलो नहीं करेगा। मेरे को लगता है कि अब परमानेंटली कनेक्ट हो चुकी है कोमल तनवार। सो आपको क्या लगता है कि आप परमानेंटली कनेक्ट रहेगी जस मानक के साथ कोमल तनवार, या फिर जस मानक जो है आगे जाकर कोमल तनवार को अनफॉलो कर देंगे? कमेंट कर देना।